हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में और मैं आपका दोस्त गौरिक। सो दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नंबर वन शेयर कहलाता है और मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के नहीं है। तो आइए दोस्तों, पहले हम उस न्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं जो वो शेयर में आ रही है और उसके बाद शेयर की डिटेल्स बात करेंगे कि आगे ये कहां तक जा सकता है, इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेंगे और इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, शेयर का नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स और जो न्यूज आ रही है वो आपके सामने आ रही है। Sun Pharma recalls over 1.10 lakh bottles of generic drug in US market. आइए डिटेल्स में बात करते हैं। ड्रग मेजर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज रिकॉलिंग ओवर 1.10 lakh bottles of generic medications used to treat erectile dysfunction in men in the US market due to manufacturing error. तो ये सन फार्मास्यूटिकल के लिए एक नेगेटिव न्यूज है क्योंकि उसको अपनी जो सी मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स थी, जो सी उसने मैन्युफैक्चर की थी, उसको वापस बुलाना पड़ रहा है तो उसमें काफी कॉस्ट होती है, लाइक फ्रेट का खर्चा हो गया, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो इनको दोबारा से करने पड़ेंगे। दोस्तों, हम अब सन फार्मास्यूटिकल की कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच ऑफर जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, एंटी रेट्रोवायरल एंड एपीआईज। तो ये बहुत बड़ी नंबर वन हिंदुस्तान की दिग्गज कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और बता ही दिया आपको फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है और ये लार्ज कैप शेयर है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 27 है। अब बात करें प्राइस चार्ट की तो इसने एक साल में पिछले तकरीबन 56% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की तो इसने 5 साल में सिर्फ 14.5% के रिटर्न दिए हैं। आपको पता होगा कि 2015 के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था क्योंकि यूएस एफडीए की इम्पोजिशन इसमें लग गई थी और मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। अब बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। Returns versus FD rate, stock has been generating better returns on equity than bank FD. तो bank FD से इसने पिछले सालों में अच्छे returns दिए हैं। Dividend की बात करें तो dividend इसका कम ही आता है, बहुत अच्छा dividend नहीं है, dividend yield कम है काफी। Entry point की बात करें तो ये entry point बहुत अच्छी है क्योंकि stock overbought zone पे नहीं है technical charts पे। No red flags, stock not in ASM, GSM list and not a lot of promoter holding is pledged. तो जैसे promoter की holding है वो pledge नहीं है इसमें और अगर है तो बहुत कम है तो ये भी इसका एक positive point माना जाएगा। Sun Pharmaceuticals के brands का आपको नहीं पता होगा तो इसके brands हैं Revital और Volini। हर घर में ये चीजें, जिनके घर में बुजुर्ग हैं या किसी को pain की problem है तो ये दोनों चीजें आपके घर में जरूर आती होंगी। Peer comparison की बात करें तो इसकी peer companies हैं Dr. Reddy Laboratories, सिप्ला लिमिटेड और ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, और भी ऐसी कंपनीज हैं बट ये मेजर तीन आ रही हैं। अब बात करें इनकी पी रेशो की तो पी रेशो पे जैसा सन फार्मास्यूटिकल है सबसे कॉस्टली शेयर है अगर हम कंपेयर करें ग्लैंड फार्मा से, सिप्ला से, डॉक्टर रेड्डी से, चाहे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा पी रेशो इसकी है। दोस्तों, जो अच्छी कंपनीज है, जो टॉप की दिग्गज कंपनीज है, हर वो शेयर की पी रेशो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप चेक कर सकते हैं डीमार्ट की पी रेशो चेक करें, एचडीएफसी बैंक की पी रेशो चेक करेंगे या रिलायंस इंडस्ट्रीज की पी रेशो चेक करेंगे तो हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। अच्छी चीजें आपको महंगे रेटों में ही मिलेंगी हमेशा, बट वो महंगे रेटों में भी आपने ढूंढना है कि आपको कौन से रेट्स हैं जो उसमें सेट होते हैं आपकी बाइंग रेंज में। अब पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो होती है प्राइस टू बुक रेशियो, तो पीवी रेशियो में ये शेयर हमारे को सबसे सस्ता मिल रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें डॉक्टर रेड्डी से, सिप्ला से या ग्लैंड फार्मा से। इसकी पीवी रेशियो है 3.83, डॉक्टर रेड्डी की है 4.39 और सिप्ला की है 3.87 और सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो ग्लैंड फार्मा की है, वो है 9.51। डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड सभी बाकी कंपनी से, पीयर कंपनी से ज्यादा है, तकरीबन 1% का डिविडेंड ये शेयर देता है। डॉक्टर रेड्डीज आधा परसेंट का डिविडेंड है और
सिप्ला का भी आधे के आसपास ही जो सा डिविडेंड आता है। एनालिस्ट की बात करें तो 86% एनालिस्ट जो से हैं इसको बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं शेयर्स में इस लेवल पे भी। होल्डिंग ट्रेंड की बात करें तो जो सी पिछले 6 महीने में जो सी प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लो प्राइस प्रमोटर होल्डिंग, तो जो सी प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग है या तो वो बहुत कम है या वो है ही नहीं, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। पिछले 3 महीनों में म्यूचुअल फंड की जो सी होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है, तो ये दर्शाती है कि कंपनी बहुत अच्छी है, स्टेबल कंपनी है। इसने 23 अगस्त 2021 को ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। दोस्तों बात करें टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट पे इसने 30 जुलाई 2021 को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था और इसकी जो सपोर्ट के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ₹755 का पहला सपोर्ट जोन है और जो सेकंड सपोर्ट जोन है 720 का है। अगर ये शेयर 755 के ऊपर रहता है तो जो सा इसका टारगेट निकल के आएगा वो 965 का निकल के आएगा और करंट भाव है 790 का। और अगर करंट भाव से हम अपसाइड देखें तो तकरीबन हमारे को 22 से 23% की अपसाइड दिखेगी, राइट। और अगर हम इसको सपोर्ट लेके चले 720 का, तो 720 के सपोर्ट के हिसाब से इसका जो टारगेट निकल के आता है वो 915 का निकल के आता है। करंट लेवल से देखें तो हमारे को 16% की अपसाइड दिख रही है। मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 150, 200 और 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। जो सा इसका 100 डे मूविंग एवरेज है वो 765 के आसपास है और ये 50 डे की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, राइट। अब बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में सबसे पहले बात करते हैं एमएसीडी की। एमएसीडी पे इसने नेगेटिव हिस्टोग्राम बना रखा है और जैसी फास्ट लेन है वो स्लो लेन के नीचे चल रही है। फास्ट लेन की लाइन ब्लू लाइन है और येलो लाइन है स्लो लेन की, तो इस इंडिकेटर के हिसाब से ये भी और नीचे जा सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई बहुत गजब है, 50 से 80 का जो जोन है वो आरएसआई में पॉजिटिव माना जाता है बहुत ज्यादा, राइट। बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम नहीं आ रहा इसलिए स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। और डीएमआई की बात करें तो डीएमआई की जैसे एडीएक्स की लाइन है जो कि स्ट्रेंथ दिखाती है, जो ब्लू लाइन है वो एडीएक्स की लाइन है, वो 35 पे ट्रेड कर रही है और ग्रीन लाइन बायर की है और येलो लाइन सेलर की है, तो ये डीएमआई के चार्ट पे बहुत अच्छा शो कर रहा है। इसकी जैसे कल न्यूज जैसे अभी न्यूज आई है 1,10,000 बोटल जो इसने कॉल बैक की है उसके कारण हो सकता है ये शेयर नीचे जाए, तो जब आपको ये शेयर डिप्स पे मिले तो आप इसको जरूर बाय कीजिए। अगर आपको 755 की रेंज में मिले बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि 765 पे इसकी जो 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लोगों को शेयर करेंगे तो वो भी आपका भला सोचेंगे, क्योंकि सबके भले में हमारा भला है। हमारे गुरु नानक देव जी, जितने भी हमारे सिखिज्म में गुरुज हैं, उन सब ने यही बोला है कि मिल बांट के खाइए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अलविदा कहता हूं, थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।